Allahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Inshallah, we will meet very soon in school. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. Today we are, alhamdulillah, going to start our first chapter from social studies book. This is the start of your second term syllabus of geography. I hope you have learned first term question answers, reading and worksheets very well. Today we will start first chapter of geography from your second term. The topic is trade and commerce. Before we introduce the words trade and commerce, I want to discuss some questions. Can you tell me, girls, what do the businessmen do? Hope your answer will be they sell goods. Yani jo businessman hote hain wo kya karte hain, apni cheezon ko bechte hain. And who buys the goods aur in cheezon ko kharidta kaun hai? Hum kharidte hain, log kharidte hain. Why do people buy them? Aur hum ya log in cheezon ko kharidte kyun hain? क्योंकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे हमें खाने पीने की ज़रूरत है तो हम खाने पीने की चीज़ों को ख़रीदते हैं. Why do the businessmen sell things? और जो businessmen होते हैं वो चीज़ें बेचते क्यों हैं? इसकी क्या वजह है कि वो चीज़ें बेचते हैं? वो अपने पास क्यों नहीं रखते? ताकि वो पैसा कमा सकें, to earn money. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली जो है, हमारी फैमिली जो है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर ले तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा. यानी अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपने 110 रुपीज़ खर्च करने हैं, आपने सोचा है कि मैंने कोई 110 रुपीज़ की कोई चीज़ लेनी है, तो क्या करेंगे? आपको कर्ज़ा लेना पड़ेगा, आपको उधार लेना पड़ेगा किसी से. इसके अलावा क्या होगा कि अगर वाई शुड फैमिली स्पेंड लेस एंड सेव, और आपके घर में कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि आपकी मामा को, अगर आपके बाबा 500 रुपीज़ देते हैं तो मामा क्या करती हैं, 400 जो हैं वो स्पेंड करती हैं, खर्च कर लेती हैं, और 100 रुपीज़ जो हैं वो सेव कर लेती हैं. तो इससे वो क्या करती हैं, अपने पैसे को महफूज करती हैं ताकि उनको अगर फिर ज़रूरत पड़े तो वो ये सेव किए हुए पैसे, जो बचत की हुई है, उसको इस्तेमाल कर सकें. अब फिर एक क्वेश्चन जहन में आता है कि वाई डू कंट्रीज़ इम्पोर्ट गुड्स. अब जो मुल्क हैं वो क्यों अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरे मुल्कों को बेचते हैं? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि दे सॉरी मंगवाते हैं तो उसकी वजह क्या है? दे कैन नॉट मैनुफैक्चर एवरीथिंग दे नीड, क्योंकि वो अपने मुल्क के अंदर हर चीज़, हर वो चीज़ जो है, जो जो उनको चाहिए, जिसकी उनको ज़रूरत है, वो उसको बना नहीं सकते. और बिल्कुल इसी तरह से वाई डू कंट्रीज़ एक्सपोर्ट गुड्स टू अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ फॉरन एक्सचेंज विच दे कैन यूज़ फॉर देयर इम्पोर्ट्स एंड टू मेक अ लिविंग. अब लोग दूसरे मुल्कों को चीज़ें बेचते भी इसीलिए हैं ताकि वो उसके अंदर अपनी चीज़ों को महफूज कर सकें, अपनी चीज़ों को जो है सॉरी अपने जो पैसा है उसको बढ़ा सकें, अपने मुल्क के अंदर जितना पैसा आ रहा है उसको बढ़ा सकें. जी, अब हम इसके बाद देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो आज का हमारा टॉपिक है, ये एक्चुअली कहते किसको हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स कहते हैं बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी चीज़ों को बेचना और ख़रीदना. इस कारोबार को कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ कॉल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स.
आप इम्पोर्ट क्या होती है, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यानी कि दूसरे मुल्कों से अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को ख़रीदना। एक्सपोर्ट क्या होता है, सेलिंग गुड्स, सेल कहते हैं बेचने को, चीज़ों को बेचना या फिर सर्विसेज देना दूसरे मुल्कों को। जैसे कि हमारे मुल्क के कई डॉक्टर, इंजीनियर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते हैं, वहाँ जाकर ज़्यादा वेजेस पे, ज़्यादा पेज पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी सर्विसेज को दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बेचते हैं। तो अब आपको मीनिंग ट्रेड ऑफ कॉमर्स की समझ आ गई। ट्रेड ऑफ कॉमर्स क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ कॉल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। ये डेफिनेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स में। अब ट्रेड क्या होता है, इट रिफर्स टू मियर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दैट इज़ मियर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स। अब क्या है, इसमें हम चीज़ों को एक्सचेंज भी करते हैं, चीज़ों को बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं छोटे पैमाने पर। इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉमर्स की एक शाख है, ब्रांच है। और कॉमर्स क्या है, ऑन द अदर हैंड इट रिफर्स ऑन नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बट आल्सो अदर एक्टिविटीज़। अब ये सिर्फ ख़रीदना और बेचना तक महदूद नहीं है, इसमें और बहुत सारे काम शामिल हो जाते हैं, सच एज़ ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग, विच हेल्प्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब ट्रेड में क्या होता है कि हम चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, और कॉमर्स में क्या है, उन चीज़ों को बेचना और ख़रीदना कैसा है, उससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी कॉमर्स के अंडर आती हैं। और कॉमर्स क्या है, बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमने थ्री टर्म्स पढ़ी। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है बाइंग एंड सेलिंग या चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, ये दोनों मिलके बनाते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। और ट्रेड क्या है, ये कॉमर्स की एक ब्रांच है। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। और कॉमर्स क्या है, बिज़नेस की एक बिग ब्रांच है, एक बड़ी शाख है, जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड करते हैं। अब एक दफ़ा हम फिर अच्छी तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स की जो मेन दो चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, जो वर्ड्स हमने बार बार पढ़ना है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, उसकी हम डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा से समझ लेते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी कि ये हम करते क्यों हैं। अब ये दो वर्ड आपने पहले भी पढ़े हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इम्पोर्ट की डेफिनेशन क्या है, द टर्म एक्सप्रेसिंग बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज टू द होम कंट्री, यानी दूसरे मुल्कों से चीज़ें या खिदमात लेना अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में लेना बाहर से, यानी दूसरे मुल्कों से चीज़ें लेना या दूसरे मुल्कों से सर्विसेज लेना अपने मुल्क के लिए। जैसे हमारे मुल्क में चाइना से बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, और चाइना के बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं जो जैसे सीपैक जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। तो ये क्या है, इंपोर्ट की हुई ही चीज़ें हैं और इंपोर्ट की हुई उन इंजीनियर्स की सर्विसेज हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इंपोर्ट करते क्यों हैं, टू फुलफिल द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट प्रेजेंट और इन द होम कंट्री। अब क्या है, हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम ज़रूरत की तमाम जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाहर से मंगवा के इस्तेमाल करें, और वो सर्विसेज या वो इंजीनियर जो हमारे पास उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, हम उनकी सर्विसेज दूसरे मुल्कों से हायर करें।
अब डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या है? इट इज़ द टर्म एक्सप्रेसिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू अदर कंट्रीज़। अब एक्सपोर्ट क्या है? इसके इम्पोर्ट के ऑपोजिट है, यानी इम्पोर्ट में हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट में हम अपनी सर्विसेज, अपने लोग, अपने जो गुड्स हैं यहाँ पर बनने वाली, उनको दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है? टू इंक्रीज़ द ग्लोबल प्रेजेंस और मार्केट कवरेज ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज, ताकि हम दूसरे मुल्कों को बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या जो अशिया हैं वो मौजूद हैं। अब हम इसमें एक और टर्म आपकी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कंट्रीज वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? ख़ज़ाना। किसी भी मुल्क के अंदर ख़ज़ाना जो है वो कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है और वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द थिंग्स अ कंट्री सेल्स ओवरसीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट, ये हमने पढ़ लिया। द कमोडिटीज़ वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आपको बड़ी अच्छे तरह समझ आ गया। एक्सपोर्ट होता है एक्स यानी आउट करना, बाहर करना। एग्ज़िट से भी आप इस वर्ड को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि ई एक्स इज़ फॉर एग्ज़िट, निकालना। एक्सपोर्ट करना, बाहर निकालना, अपने मुल्क से चीज़ों को बाहर भेजना। और इम्पोर्ट क्या है? अंदर लाना, बाहर से चीज़ें ख़रीदना अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। कमोडिटीज़ कहते हैं अजनास यानी चीज़ों को। इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर दैन इट इम्पोर्ट्स, इट हैज़ मोर मनी टू बाई मोर इम्पोर्ट्स। अब अगर किसी मुल्क के पास पैसे थोड़े हैं और वो बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा ले, तो उसको उतनी ज़्यादा मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को ख़रीदने के लिए। और अगर वो अपने चीज़ें जो हैं, इट बाइज़ मोर दैन इट सेल्स, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यानी जितनी चीज़ें वो बेच रहा है उससे ज़्यादा वो ख़रीदेगा, तो फिर उसको क्या होगा? दूसरे मुल्कों से या फिर दूसरी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे पैसे या मनी बोरो करनी पड़ेगी, यानी उधार लेना पड़ेगा। जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लोग उधार लेते हैं मुख्तलिफ ममालिक, और पाकिस्तान का भी आप अक्सर टीवी में सुनते हैं कि वर्ल्ड बैंक का इतना कर्ज़ा हो गया, इतना ले लिया। तो ये क्या है? अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जब खरीद ली जाती हैं तो उन पे उतने एक्सपेंडिचर्स, उतनी वेल्थ जो है वो ज़्यादा खर्च होती है। द वेल्थ ऑफ अ कंट्री कम्स फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट्स। असल में किसी भी मुल्क के अंदर जो पैसा है, जो ख़जाना है, जो वेल्थ है, वो आती कहाँ से, दौलत आती कहाँ से है? जो हम चीज़ें बाहर बेचते हैं उससे। और हम चीज़ें बाहर क्या बेचते हैं? सम ऑफ दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, हम फ्रूट्स हैं, ये हम दूसरे ममालिक को भेजते हैं। सम एक्सपोर्ट्स सच एज आयरन एंड अदर मेटल ओर्स आर मोर वैल्यूएबल। अब कुछ क्या हैं चीज़ें होती हैं जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो कम वैल्यूएबल होती हैं, उनकी कीमत या उनका जो पैसा आता है उनसे वो थोड़ा होता है, बजाय इसके कि अगर हम आयरन को या मेटल्स को बाहर जब भेजते हैं तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कीमती होती हैं, ज़्यादा पैसा आता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर आल्सो वेरी वैल्यूएबल। अब जिन ममालिक में ऑयल और नेचुरल गैस जो इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उनको उनके लिए ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल सच एज मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स, क्लोदिंग, प्लास्टिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कारपेट्स एट्सेट्रा। अब जो तैयार करदा चीज़ें हैं उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, जैसे मशीनरी होती है, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, केमिकल्स होते हैं, कपड़े होते हैं या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, कारपेट्स वगैरह, इनके ज़रिए से भी जो ख़जाना है या दौलत है वो किसी भी मुल्क की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। एक और चीज़ किसी भी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए जो आजकल जो मेन सोर्स है वो क्या है? कैन यू गैस? आप खुद गैस कर सकते हैं।
माइट भी आप में से कुछ लोगों ने गैस किया हो कि वो सोर्स है कि उन पाकिस्तानियों को या फिर दूसरे ममालिक के भी ऐसे अफराद जो दूसरे जो अपने होम कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरी जगहों पर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, जॉब्स करते हैं और पैसा फिर अपने मुल्क में वापस भिजवाते हैं। वो पैसा जो है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में हमारे कंट्रीज़ वेल्थ को इनक्रीज़ करता है। Another important source of income, especially in Pakistan, is money sent home by people who work abroad. जो दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क के खास तौर पर पाकिस्तानी बहुत सारे जो दूसरे मुल्कों में जाकर इस वक्त मेहनत करते हैं कर रहे हैं वो अपने लोग पैसा वो लोग पैसा जब अपने मुल्क में भिजवाते हैं तो ये मुल्क की जो हमारे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा करता है। They spend a part of it for their personal needs and send to rest to their families living in Pakistan. वो जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा अपने ऊपर खर्च करते हैं और ज़्यादा अपनी फैमिलीज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान उनको भेज देते हैं। अच्छा जी, अब ये एक नई और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है आपकी इस चैप्टर में। आई गेस कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस कहते हैं तवाज़न रखना। अब आपके पास जितनी अर्निंग आती है यानी आप जितना पैसा कमाते हैं और जितना आप खर्च करते हैं अगर उसमें तवाज़न रखेंगे तो कोई भी कंट्री जो है वो सही तरीके से प्रोग्रेस या प्रॉस्परस हो सकता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन अनदर इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यानी जितनी भी कीमत है एक्सपोर्ट्स की और इम्पोर्ट्स की उनको जब एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस किया जाता है, तवाज़न रखा जाता है, बराबर किया जाता है तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। A country which sells more than it buys, अगर कोई मुल्क ज़्यादा चीज़ें बेचता है बनिस्बत जो वो ख़रीदे, is said to have a positive balance of payments। यानी कि अगर आप चीज़ें बेचेंगे ज़्यादा और ख़रीदेंगे कम तो आपके कंट्री के अंदर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगा, और अगर इसके ऑपोजिट आप ख़रीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे थोड़ी तो क्या होगा, इट इज़ सेड टू हैव अ नेगेटिव बैलेंस। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस को हम अगर इक्वेशन की सूरत में शो करेंगे तो वो क्या होगा, मोर एक्सपोर्ट्स माइनस लेस इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मोर इम्पोर्ट्स माइनस लेस एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये इक्वेशन अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको आगे बड़ी क्लासेस में जाकर भी आसानी रहेगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे करना है, इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट्स का लिंक क्या है, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करने में MCQs में भी आसानी हो जाएगी। नाउ आई विल ask you to open your books, page number is 31. The topic which today I have tried my level best to make you understand is trade and commerce, which is from page number 31 of your book social studies. इसमें जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है हम उसको देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर इसके अंदर से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिस हो गए हैं। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा, ऑलवेज कीप योर पेंसिल इन योर हैंड्स व्हेन एवर एंड विच एवर यू लिसन अ लेक्चर। कोई भी लेक्चर आप सुने किसी भी बुक का किसी भी सब्जेक्ट का तो आपके हाथ में पेंसिल होनी बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर बुक्स खोलेंगे तो इसके ऊपर अ कंट्रीज़ वेल्थ से स्टार्ट लिया है इस चैप्टर में। इसको मैं रीड आउट करूँगी, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, जो नई चीज़ होगी उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी, और अगर इन केस अब कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो स्कूल जैसे ही रीओपन होंगे हम क्लासरूम में भी इन चैप्टर्स को दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। आप अपने पॉइंट्स साथ साथ लिखिएगा कि आपका लेक्चर के अंदर
क्या चीज़ जो थी आपकी टीचर से यानी मुझसे मिस हो गई, या जो आपको समझ नहीं आई या मैं समझा नहीं पाई? जी, कीप योर आइज़ ऑन योर बुक नाउ. अ कंट्रीज़ वेल्थ इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ एन ऑर्डनरी फैमिली. बिल्कुल मुल्क का ख़जाना जो है एक आम खानदान के मिसाल के मुताबिक है. यानी जैसे हम खानदान में किसी भी फैमिली में ऐसा होता है, बिल्कुल उस पैसे आते हैं और जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो कंट्रीज़ वेल्थ के साथ भी होता है. वी वर्क टू अर्न वेजेस विच वी कैन स्पेंड ऑन हाउसेज, फर्नीचर, फूड, क्लोदिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन. और आपको पता है कि आपके बाबा, आपकी मामा जैसे ही पैसे कमाती हैं तो वो किन चीज़ों पे खर्च करती हैं? घर पे, फर्नीचर पे, खाने पे, कपड़ों पे, ट्रैवल करने पे, या फिर आपको सैर करवाने, या फिर इसी तरह के और बहुत सारे कामों पे. इफ़ वी स्पेंड लेस देन वी अर्न, वी हैव मनी टू सेव और टू स्पेंड ऑन हॉलीडेज, न्यू क्लोथ्स एंड स्पेशल ट्रीट्स. और अगर हम अपने पैसे बचा के रखेंगे, हम ज़्यादा कमाएँगे और हम ज़्यादा कमाएँगे, उनमें से थोड़ा खर्च करेंगे, बाकी पैसे बचा लेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए, दावत करने के लिए, सैरो सियाहत के लिए पैसे बच जाएंगे. लेकिन अगर इसके बरक्स इफ़ वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, वी गेट इनटू डेट. डेट क्या होता है? कर्ज़ा. और अगर हम सारे पैसे खर्च कर देंगे तो हमें खुदा ना खास्ता कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम बैंक से कर्ज़ा ले लें, या किसी उधार, मनी लेंडर होता है जो उधार पैसे देते हैं, और फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमें उनको पैसे इंटरेस्ट के साथ, यानी ज़्यादा पैसे हमें उनको वापस करने होते हैं. इंटरेस्ट क्या होता है? सूद होता है. फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स, थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज, द कमोडिटीज़ वी बाय आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स. ये बड़ी डिटेल में बता दिया मैंने आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का. ये वही लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट्स क्या होती हैं. इम्पोर्ट्स होती हैं जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, और एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? जो चीज़ें हम बेचते हैं. इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर दैन इट्स इम्पोर्ट्स, इट हैज़ स्पेयर मनी टू बाई मोर इम्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट सच एज रोड्स, और टू प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज सच एज वेलफेयर, मोर स्कूल एंड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल. अब क्या है, ये बात मैंने आपको लेक्चर में पीछे नहीं बताई, वो क्या थी जो मिस हो गई? वो ये थी कि जो पैसा किसी भी मुल्क का होता है, वो मुल्क के जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो इस्तेमाल कहाँ करती है? वो पैसा इस्तेमाल होता है पब्लिक की वेलफेयर के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, या फिर और भी जितनी भी सोशल सर्विसेज हैं, सड़कें तामीर करनी हैं, पार्क्स बनाने हैं, उन सब कामों पर ये पैसा खर्च किया जाता है. इट हैज़ टू बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज़. लेकिन अगर पैसा जो है कम होगा, कंट्रीज़ वेल्थ कम हो जाएगी, तो क्या होगा? हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, हमें उनसे पैसा उधार लेना पड़ेगा. बट एज़ इट रिजर्व्स ऑफ मनी आर लो, इट विल प्रोबेबली हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट्स. और फिर क्या होगा? प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, फिर शायद हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हमें पे करना पड़े. As we have seen, the wealth of a country comes from largely from its exports. Some of these are agricultural products such as sugar, rice, wheat, fruit, most of which are relatively low in value. Some exports such as iron and metal ores are more valuable. Oil and natural gas, which are really minerals, are of course extremely valuable. ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी कीमत ज़्यादा होती है, उनसे ज़्यादा पैसा या वेल्थ जो अर्न की जा सकती है, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, या मेटल्स हैं. इसके बरक्स कुछ चीज़ें कम कीमती होती हैं, लेस वैल्यूएबल होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह. बट मोस्ट वैल्यूएबल्स ऑफ ऑल आर मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाइक मशीनरी, मोटर व्हीकल्स. ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें कारपेट्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, क्लोदिंग है, टेक्सटाइल है, ये सब वो चीज़ें हैं जो पूरी मैन्युफैक्चर करके, यानी तैयार करके दूसरे मुल्कों को भेजी जाती हैं, तो इनसे भी ज़्यादा अर्निंग होती है. दीज आर वैल्यूएबल बिकॉज ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स इज़ लेस, देम मे नॉट बी वेरी ग्रेट. अब क्या है कि इनके ऊपर
खर्चा कम आता है, इसलिए उन चीज़ों को जब बेचा जाता है तो उनसे ज़्यादा अर्निंग हासिल की जाती है. देयर इज़ अ ग्रेट स्किल एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मशीनरी इन्वॉल्व इन मेकिंग दैम. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन एंड अदर इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ये आपको बड़ी अच्छी तरह से मैंने पीछे बताया, वो आप स्लाइड से उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको याद भी करिएगा, आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन एंड अदर्स इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ये पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लें और ये आपने लर्न करनी है, डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज इज सेड टू हैव पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड If it buys more than it sells abroad, it is said to have a negative balance. ठीक है, ये पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस भी मैंने आपको भी समझा दिया है. Another important source of income for a country, especially Pakistan, is money sent home by people who work overseas. Hundreds of thousands of Pakistanis work abroad, especially in oil industry in Saudi Arabia and the Gulf states, where wages are much higher than they are at home. In 2001, these expatriates sent home about $2 billion. expatriates hota hai wo log jo dusre mulkon mein jaakar kaam karte hain. अब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सबसे मुल्क के अंदर पैसा आने का एक अहम ज़रिया फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में वो लोग भिजवाते हैं जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं. और 2001 में पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर जो कि गल्फ़ स्टेट्स में और सऊदी अरेबिया में ऑयल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उन लोगों से ही $2 बिलियन पैसा जो था वो पाकिस्तान में आया था. यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल इंशाल्लाह कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? आई हैव आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर. नाउ यू व्हाट यू विल डू, यू विल थिंक अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए थे कि वो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर्स क्या है, जैसे कि हु बाइज द गुड्स, व्हाट डू द बिजनेसमैन डू. आपने क्या करना है, आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं. इसके साथ साथ आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और कंट्रीज वेल्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन तमाम चीज़ों की डेफिनेशंस आपने याद करनी है. Inshallah, we'll catch you soon. Take good care of yourself. Allah Hafiz.